दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सएप के ऐसे दो ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए हम व्हाट्सएप को और भी इजी तरह से चला सकेंगे। अगर आप भी वो ट्रिक देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा और जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी वो ट्रिक को कर सके अपने मोबाइल में। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको चैट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर मुझे दो मैसेज आ चुके हैं। एक तो सिंपल सा हाई टेक्स्ट मैसेज है और सेकेंड वाला जो मैसेज है वो वॉइस रिकॉर्डर का मैसेज है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा कि वॉइस रिकॉर्डर का जो मैसेज है उसके बारे में ट्रिक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सपोज आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर हो और आपके पास एयरफोन्स नहीं है लेकिन आपको जो वॉइस रिकॉर्डर का मैसेज है वो सुनना है, तो कैसे सुनोगे? जब भी हम इस मैसेज को प्ले करोगे तभी जो भी वॉइस होगी, जो भी हमारा मैसेज होगा, वो आजू बाजू की जो भी पब्लिक होगी वो आसानी से सुन सकेंगे। लेकिन मैं आज ऐसी कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप इस वॉइस रिकॉर्डर को प्ले करोगे लेकिन आजू बाजू के लोग सुन नहीं सकेंगे। तो वो कैसे देखेंगे तो आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको उस मैसेज को प्ले करना है। उसके बाद यहाँ पर उंगली रखना है। उंगली रखने के बाद अगर आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि ये ट्रिक आपके मोबाइल में अच्छी तरह से वर्क करेगी। अगर आपका मोबाइल बंद नहीं होता तो आप समझ जाएगा कि ये ट्रिक आपके मोबाइल में वर्क नहीं करेगी। तो चलिए, मेरा स्क्रीन तो यहाँ पर स्विच ऑफ हो रहा है। इसका मतलब जो भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो अच्छी तरह से इस मोबाइल के अंदर वर्क होगी। उसके बाद दोस्तों इसको प्ले करने के बाद हमें सिंपल सा मोबाइल को अपने कान को लगाना है। कान को लगाने के बाद जो भी हमें वॉइस आएगी वो डायरेक्टली हमारे कानों को ही सुनाई देगी। जिस तरह से हम अपने एयरफोन में सुनते हैं उसी तरह से जो भी वॉइस होगी, जो भी मैसेज होगा, डायरेक्टली अपने कान में हमें सुनाई देगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं। दोस्तों सेकेंड ट्रिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप को ओपन किए बिना ही व्हाट्सएप के अंदर से किस तरह से मैसेज कर पाएंगे। इसका मेन फायदा ये होने वाला है कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी नहीं आएंगे और आप इजीली दूसरों को मैसेज कर सकेंगे। जिसको भी मैसेज करोगे उसको आपका लास्ट सीन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम व्हाट्सएप को इस ट्रिक के अंदर ओपन नहीं करोगे। एक मैं ऐसा कुछ ट्रिक बताऊंगा उसका उपयोग करके ही हम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आपको सच में ऐसा करना है तो आप कर सकते। सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल की जो होम बटन है, स्क्रीन पर जो होम बटन है उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद 2 सेकंड के अंदर हमारा गूगल का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में आपको माइक जैसा आइकॉन दिखेगा सेट टू गूगल नाम का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वॉइस में बोलना है कि सेंड टू व्हाट्सएप मैसेज। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 में नंबर सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ओपन होगी और आपका जिसको भी मैसेज करना है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और नीचे हमें मैसेज लिखना होगा। उसके बाद सेंड पर क्लिक कर दो, आसानी से व्हाट्सएप के अंदर से आपको मैसेज सेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैसेज सेंड हो चुका है या नहीं। तो चलिए व्हाट्सएप ओपन करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी मैसेज मैंने टाइप किया था और जिस बंदे को टाइप किया था उसको व्हाट्सएप का मैसेज सेंड हो चुका है। इससे यही होता है कि हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं आते, ऑफलाइन ही रहकर व्हाट्सएप के अंदर से हम मैसेज कर सकते हैं और सामने वाले को हमारा लास्ट सीन भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ऐसे ट्रिक मैं आपको हर रोज लेके आऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको बहुत सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।